आप लोगों को मालूम होगा जैसे अमेजोन पे, गूगल पे, फोन पे, भारत पे सबका क्यूआर कोड होता है। लोग वो क्यूआर कोड को स्कैन करके रुपया ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ही रेडमी बिजनेस मेल कंपनी ये अपडेट लेके आया है। अपडेट है वो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेडमिल बिजनेस मेल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर साइड में स्क्रॉल डाउन करेगा। ऊपर साइड में स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखने मिल रहा है डायनामाइक यूपीआई क्यूआर कोड और स्टैटिक यूपीआई क्यूआर कोड। टिक यूपीआई क्यूआर कोड में जाके आपका शॉप का नाम, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ भर के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको ऐसी तरह एक तो क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप एक्टिव करके दुकान में लगा लीजिए। प्रिंट को एक्टिव करने के लिए ऊपर साइड में 3 डॉट है, उसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको देखने मिल रहा है एक्टिव क्यूआर कोड, उसमें जाके डाउनलोड प्रिंट को स्कैन करके आप एक्टिव कर लीजिए। स्टैटिक में रजिस्टर करने से आपका डायनामाइंड में अपना आप क्यूआर कोड आ जाएगा। अगर कोई कस्टमर का उधार होगा तो उसका कितना अमाउंट है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर डाल के व्हाट्सएप बा मैसेज बा और बहुत सारा ऑप्शन है। किसी भी एक ऑप्शन में जाके कस्टमर को लिंक भेज के रुपया ले सकते हैं। ये था आज के वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।